और अमित दुबे जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित दुबे जी बहुत स्वागत है आपका। अमित दुबे जी आपसे हम समझना चाहेंगे, ये जो लोन एप्स हैं क्या इन पर किसी तरह से कोई रोक लगाना इतना मुश्किल है क्या, नहीं लगाई जा सकती है क्या, क्योंकि आए दिन ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं फ्रॉड के। देखिए, इस पर लगातार रोक लगाने की कोशिशें हो रही हैं, पर पूरी तरीके से इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऐप जो होती हैं अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर होस्टिंग होती है इनकी। अभी पिछले हफ्ते भी जो हमारा सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम है सर्टिन, उसने करीब 20-22 लोन ऐप्स को बैन किया, ब्लॉक किया, और वो अब प्ले स्टोर से हटा दी गई है। पर इससे पहले भी करीब 50-60 ऐप ब्लॉक हुई थी। ये अलग अलग नाम से फिर से आ जाती है, और ये इनकी होस्टिंग नॉर्मली चाइना में होती है, इनके जो ऑफिस होते हैं इंडिया में होता नहीं। ये सिर्फ एक एक्सट्रॉशन का रैकेट चला रहे होते हैं या लोकली कुछ लोगों को हायर करते हैं, और वो जो क्रिमिनल्स हैं वो इस ऐप को भेजते हैं टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि या तो एक लिंक भेजेंगे या आपको एक ऐप इंस्टॉल करा लेंगे। यदि इन्होंने लिंक भी भेज दिया आपको और आपने लिंक क्लिक कर ली, तो उससे भी आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट चला जाता है इनके, जो आपका जो आपके नंबर है स्टोर्ड आपके फोन में, वो सारे इनके पास चले जाते हैं। और ये संभव है, इसलिए ये बड़ा चौंका देने वाली बात जी आते कि कई बार लोगों ने ऐप इंस्टॉल नहीं की तो कॉन्टेक्ट लिस्ट चली गई। अब कॉन्टेक्ट लिस्ट जैसे कि उनका काम हो गया, आपने लोन लिया या नहीं लिया, आपको धमकी देने का तरीका उनको मिल गया। उसमें आपके जो बॉसेस हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी क्लोज नेट फैमिली में लोग हैं, उनको आपके नाम से मैसेज जाएगा, धमकी जाएगी कि आपने लोन लिया है, आप चुका नहीं रहे हो, और कार्रवाई उन तक भी हो सकती है। उनके बाद उनको गंदी गंदी बातें की जाएंगी, फोर्स किया जाएगा कि वो लोग आप पर दबाव डालें, और फिर आप पेमेंट देना शुरू कर देते हो। ये जो कई बार आपकी मॉक इमेजेस भी बनाई जाएंगी, आपकी नेकेड पिक्चर भी बनाई जाएंगी, और वो भी आपके रिलेटिव को भेजा जाएगा, तो आपको हर तरीके से मानसिक ताड़ना दी जाती है ताकि आप उनको पैसा दो। तो इसमें लोन वाला तो सिर्फ एंगल यूज हुआ है, एक्चुअली तो धमकी लेकर पैसा देने ही का काम है। ये पूरी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी है, उस पर भारत सरकार लगातार ध्यान रखती है। एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है जो लोन एप्स के निवारण के लिए। अमित दुबे जी हम इस पर भी आएंगे, जो टास्क फोर्स बनाई गई है और किस तरह से वो काम करेगी और कितना कारगर साबित होगी, या फिर इसके लिए और जो लोग हैं उनके लिए सुझाव क्या है, इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन राजधानी लखनऊ के साथ साथ प्रदेश के कई शहरों में फर्जी लोन ऐप का मायाजाल फैला हुआ है। देखिए रिपोर्ट। बरेली में भी चाइनीज ऐप्स का पकड़ जाल फैला है। लोगों को झांसा दिया जाता है कि मोबाइल ऐप के जरिए लोन अप्लाई कीजिए और कुछ ही समय में पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हमारे ऐप से बिना पैन आधार दिए फटाफट लोन, 5 मिनट में पाएं इंस्टेंट लोन, बस ऐप डाउनलोड करें। पैसे की तंगी और लालच में लोग ऐसे विज्ञापनों के जाल में फंस जाते हैं और उसके बाद उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। हमारे संवाददाता अजय कश्यप ने पड़ताल की तो बरेली में भी कई मामले सामने आए। बरेली में रहने वाले राजू के साथ ऐसा ही हुआ। उसने प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल किया और उसको बहुत ही आसानी से 7,000 रुपए का लोन अप्रूव हो गया। राजू के मुताबिक ऐप में लोन वापसी के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन 6 दिन बाद ही पैसा वापस करने के लिए कॉल आनी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, उन लोगों ने फोन पर गालियां भी देनी शुरू कर दी। परेशान होकर उसने पैसा वापस कर दिया, लेकिन उसके बाद भी लोन कंपनी की तरफ से परेशान करने का सिलसिला जारी रहा। फोन करके 7,000 के एवज में 18,000 की मांग की गई, जबकि राजू 7,000 रुपए पहले ही वापस कर चुका था। लोन कंपनी वाले राजू को डराते थे, धमकाते थे, फिर अचानक ऐप कंपनी वालों ने राजू के मोबाइल नंबर पर उसकी अश्लील फोटो बनाकर भेजना शुरू कर दी। उसके लिए मुझे टाइम मिला था सिर्फ 7 दिन पे करने के लिए। 6ठे दिन जब मेरे पास फोन आया उस लोन को पे करने के लिए, मैंने बोला मैंने मेरे अभी जो टाइम है कल की डेट है, बोले नहीं, वो गाली गलौज करने लगा सोई सुबह कि आपको ये लोन आज ही पे करना है, नहीं तो हम आपकी फोटो न्यूट बना के आपके सर कॉन्टेक्ट लिस्ट में भेज देंगे। फोन उन्होंने पहले से हैक कर रखा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी तभी से वो फोन उनके पास हैक था। इस मामले में हमारी पड़ताल साइबर सेल तक भी गई। वहां जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली थी। पता चला कि अलग अलग तरह के 100 से ज्यादा लोन ऐप डेवलप किए गए हैं। इनको गूगल प्ले स्टोर पर डाला गया है। लोन ऐप को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए गूगल पर सबसे ऊपर रखा जाता है। इन ऐप का अलग अलग वेबसाइट पर विज्ञापन होता है। जो 4 से 5 हजार के इंस्टेंट लोन चाहते हैं
वो यूजर्स इन एप्स को डाउनलोड करते हैं। केवाईसी के बाद लोन की परमिशन मिल जाती है, मिनटों में लोन यूजर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। साइबर एक्सपर्ट लोगों से इस तरह के लोन से बचने की सलाह देते हैं ताकि आप ठगी के शिकार न हो पाए। बदायूं में ठगी के शिकार युवाओं से जी मीडिया की टीम ने बातचीत की और फर्जी लोन ऐप से ठगी की विस्तार से पड़ताल की। किसी भी तरह का ऐप में जो लोन का प्रलोभन देते हैं उनमें ना जाएं, क्योंकि सरकार भी इस बात को कह चुकी है कि अगर आपके पास कोई मैसेज आता है या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है या किसी भी तरह का प्रलोभन आता है कि आपको ये कहता है कि आप उस ऐप पे जाइए और वो आपको लोन दे देगा, तो ये पूरी तरह से फेक साबित हो चुके हैं। फर्जी लोन ऐप से ठगी का शिकार हुए विशाल ने ये बताया कि पहले एक कॉल आई और 2000 का लोन मिनटों में देने का झांसा दिया गया। कॉल पर हाई स्कूल मार्कशीट से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिजनों के मोबाइल नंबर, दोस्त का नंबर ऐप में डलवाया गया। एक लाइव सेल्फी अपलोड करवाई गई और बैंक अकाउंट की डिटेल भी मांगी गई। इसके बाद राशि खाते में आई और फाइल चार्ज काटा गया। ईएमआई भरने में देरी क्या हुई, धमकी और जबरन वसूली का सिलसिला शुरू हो गया। विशाल अब तक पैसे चुका रहा है। ब्याज जब देने का बात आया तो उन्होंने 2046 ये कुछ रुपए समथिंग उन्होंने ब्याज लगाया, ठीक है, और ऐसी कर करके उन्होंने बहुत सारा, मतलब अब समथिंग मेरा 4 रुपए पर दिन का, पर डे का, मतलब जो ड्यू डेट थी उसके 4 दिन, मतलब 4 रुपए पर डे के हिसाब से वो लोग अब ले रहे हैं। वही बदायूं में ही ठगी के दूसरे शिकार अरुण शर्मा ने बताया कि जल्दी लोन के चक्कर में वो फंसा और एम पॉकेट लोन ऐप से 2000 का लोन लिया। समय से किश्त जमा न करने पर करियर को तबाह करने, FIR दर्ज करने की धमकी दी गई। वसूली करने के लिए कुछ लोग घर तक आ गए, 2000 के 4500 रुपए वसूल किए गए, शिकायत की गई मगर हुआ कुछ नहीं। 2000 रुपए उसमें 3000 रुपए लिए थे, उसके बाद में जब लास्ट में जब इस पर इंटरेस्ट उन्होंने हाई लगाया था मेरे को समथिंग, इसको मेरे को 3 से 7000 रुपए मेरे को अभी पे करना पड़ा इसको, मेरे अभी जाके अभी मैंने पे कराया जाके, और मेरा दोस्त भी है, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग घर पे जाके धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर वालों को शिकायत कर देंगे या कुछ भी आएगा, या मतलब हम लोग अभी टॉर्चर भी कर रहा है फ़ोन कर करके कि आपके पास FIR कर देंगे, कि आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे, कि इंटरेस्ट भी हाई लगाते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा हाई। बदायूं के SSP ने लोगों को ऐसे फर्जी लोन ऐप्स के झांसे में न फंसने की सलाह दी है और उन्हें जागरूक किया है। इसमें कुछ चीजें जो बदायूं पुलिस की तरफ से मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी भी ऐसी अनजान वेबसाइट जो आपके मोबाइल पर मैसेज के रूप में आए उसे किसी दशा में भी उस पर क्लिक ना करें, किसी अनजान वीडियो कॉल को आप रिसीव ना करें, और इसके साथ साथ अपने ATM के पासवर्ड को किसी से किसी भी हालत में शेयर ना करें। ठगी के शिकार युवा भारत सरकार द्वारा चाइनीज ऐप को बैन किए जाने के फैसले से बेहद खुश है। तो ये ऐप तो चाइनीज थे, फिर उसके बाद में इन्होंने हमारे यहाँ कई लोगों को इस तरीके के कामों पे लगा रखा था, आपका कहना ये भी है। मेरा कहना ये मतलब ये है कि एजेंट वगैरह हैं इनके, जो भी बदायूं के अंदर ही काम करती हैं, अदरवाइज बैंकिंग में, सॉरी अदर सिटी में भी काम करती हैं, हर जगह काम करती हैं इनके एजेंट हैं। तमाम तरीके के जो इस तरीके के जो चाइनीज ऐप हैं जो लोन देने के नाम पर युवाओं को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे ऐप को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। इसको युवा भी सही मानते हैं। साइबर क्राइम के प्रति लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद भी युवा आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं।